वेल आप लोगों ने ओपनिंग नंबर एंजॉय किया और खूबसूरत सी ब्राउडर हक की आवाज आप लोगों की खूबसूरत सी समातों के साथ टकराई, इसलिए ओपनिंग नंबर मैंने जोली सा रखा, खूबसूरत सा रखा और ज्यादा मस्ती वाला रखा था कि आप लोग जो बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम में सो रहे हैं ना, वो लोग जाग जाएं, उठ जाएं, ताकि वो लोग एक्टिव हो जाएं और संडे को मेरे साथ फंडे बनाए. वो एवरी सैटरडे संडे 12 से 2 बजे तक मैं आप लोगों के साथ आवाज फैंस क्लब में होती हूँ, आप लोग मेरे साथ होते. वेल आज के प्रोग्राम में बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन, बहुत सारे एंटरटेनमेंट शेयर करने वाले. और आप लोगों को पता है मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हमेशा जो है वो फनी टॉपिक्स लेकर आया करें, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसी मतलब हमारी लाइफ हो चुकी है कि हम हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, हर टाइम टेंशन में रहते हैं, हर टाइम हम लोग जो है ना हर एक चीज को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं. सो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो फनी टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूं. आज भी बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग और जहन लड़ाने वाला जो है ना मैंने टॉपिक रखा है कि आप लोग अपने जहन पे दबाव डालें, लाइक जो आपके ऊपर जहन में जो आपने टेंशन सवाई की है ना, उनसे आप लोग जो है वो रिलीज करें टेंशन को, प्रॉब्लम्स को एक साइड पे रखा करें, क्योंकि आवाज फैंस क्लब में मैं आपके साथ, तो फिर कैसी टेंशन. वेल बहुत सारे लोग जो है वो संडे को बहुत ज्यादा लेट उठते हैं, लेकिन देखें स्पेशली जो हम खातीन होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लेट उठना उनको मतलब के मुनासिब लग रहा होता, वो टाइम से उठती हैं. और यकीन करें मैं ऑफिस जाना होता है, मेरी वही रूटीन है, संडे को भी मैंने कभी भी नहीं लेट उठना होता, मैंने टाइम पे उठना होता है. वेल फिर घर के सारे काम और घर के जितने भी मतलब के ब्रेकफास्ट बनाना है, करना है, करवाना है, लेकिन किस तरह की चीज़ में. वेल मैं तो मोस्टली ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, मेरे पास इतना मॉर्निंग में टाइम नहीं होता, पे सोचा जा सकता है, लेकिन जब माँ और भाभी तो फिर बंदा क्या करे, बस वो सर्व ही कर सकता है मेरे जैसा बंदा. और मैं कहती हूँ कि ये जो हम यंग लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, इनको अगर अच्छी भाभी मिल गई हैं, अच्छी और मदर तो अच्छी होती हैं, अगर भाभियां अच्छी मिल गई हैं और स्पेशली आपका अच्छा उनके साथ होना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, लाजमो मलजूम है कि आपकी कोऑर्डिनेशन अपनी भाभी के साथ कैसी है. वेल फिर तो जिंदगी बहुत अच्छी, सुकून और मजे की जिंदगी गुजर रही होती है. फिर तो संडे को भी आप इस तरह इंजॉय कर रहे हो तो लाइक बहुत मजा आता है. वेल आज के दिन संडे के दिन आप लोग क्या स्पेशल करने वाले हैं, आप लोग मुझे ये भी शेयर कर सकते, ये भी मुझे बता दे सकते हैं कि आप लोग संडे पे क्या स्पेशल करने वाले हैं, कहीं आने जाने का क्या प्लान आप लोगों ने किया है, क्या सोचा है, किधर को आना है, किधर को जाना है, या कोई आपके घर आ रहा है. आप लोगों के साथ एक अच्छी सी मजे सी मजे वाली जो है वो बात शेयर करने वाली हूँ मैं. वो ये है कि जब कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है या जब हमारी कोई इंसर्ट करता है तो लाइक वो अपना अपने आप को हमारे साथ हमारे सामने अपने आप को मतारफ करवा रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा समझदारी और अकलमंदी की जो बात है वो ये है कि आप खामोशी से उस रास्ते से अपने आप को बदल लें, अपना रास्ता तब्दील कर लें. लाइक जब आपसे कोई बदतमीजी करता है तो डेफिनेटली आपको बुरा लग रहा होता है, बेवजह आपकी कोई इंसल्ट करे, बदतमीजी करे, आप पे कोई इल्जाम तराशी करे, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली होती हैं, पेनफुल चीजें होती हैं. लेकिन चीजों को इतना अपने ऊपर हावी मत किया करें, ठीक है ना. समझदारी यही है ना कि आप उस इंसान से जो है वो रास्ता दूर कर लीजिए, अपने रास्ते अलग कर लीजिए, ठीक है ना. वाह खूबसूरत सा प्यारा सा नंबर आप लोगों के लिए मैंने प्ले कर दिया. वेल आफ्टर सॉन्ग एंड आफ्टर ब्रेक आप लोगों के साथ आते हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंटरटेनमेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी सुनते हैं और आप लोगों की सुनेंगे. वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक.
वेल आप लोगों ने ओपनिंग नंबर इंजॉय किया और खूबसूरत सी ब्राउडर हक की आवाज आप लोगों की खूबसूरत सी समातों के साथ टकराई, इसलिए ओपनिंग नंबर मैंने जो अली सा रखा, खूबसूरत सा रखा और ज्यादा मस्ती वाला रखा ताकि आप लोग जो बहुत सारे लोग जो है इस टाइम में सो रहे हैं ना, वो लोग जाग जाए, उठ जाए, ताकि वो लोग एक्टिव हो जाए और संडे को मेरे साथ फंडे बनाए. वो एवरी सैटरडे संडे 12 से 2 बजे तक मैं आप लोगों के साथ आवाज फैंस क्लब में होती हूँ, आप लोग मेरे साथ होते हैं. वेल आज के प्रोग्राम में बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फंड, बहुत सारे इंटरटेनमेंट शेयर करने वाले. और आप लोगों को पता है मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हमेशा जो है वो फनी टॉपिक्स लेकर आया करें, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसी मतलब हमारी लाइफ हो चुकी है कि हम हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, हर टाइम टेंशन में रहते हैं, हर टाइम हम लोग जो है ना हर एक चीज को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं. सो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो फनी टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूं. आज भी बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग और जहन लड़ाने वाला जो है ना मैंने टॉपिक रखा है कि आप लोग अपने जहन पे दबाव डालें, लाइक जो आपके ऊपर जहन में जो आपने टेंशन सवाई की है ना, उनसे आप लोग जो है वो रिलीज करें टेंशन को, प्रॉब्लम्स को एक साइड पे रखा करें, क्योंकि आवाज फैंस क्लब में मैं आपके साथ, तो फिर कैसी टेंशन. वेल बहुत सारे लोग जो है वो संडे को बहुत ज्यादा लेट उठते हैं, लेकिन देखें स्पेशली जो हम खातीन होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लेट उठना उनको मतलब के मुनासिब लग रहा होता, वो टाइम से उठती हैं. और यकीन करें मैं ऑफिस जाना होता है, मेरी वही रूटीन है, संडे को भी मैंने कभी भी नहीं लेट उठना होता, मैंने टाइम पे उठना होता है. वेल फिर घर के सारे काम और घर के जितने भी मतलब के ब्रेकफास्ट बनाना है, करना है, करवाना है, लेकिन किस तरह की चीज़ में, वेल मैं तो मोस्टली ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, मेरे पास इतना मॉर्निंग में टाइम नहीं होता, पे सोचा जा सकता है. लेकिन जब माँ और भाभी तो फिर बंदा क्या करे, बस वो सर्व ही कर सकता है मेरे जैसा बंदा. और मैं कहती हूँ कि ये जो हम यंग लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, इनको अगर अच्छी भाभी मिल गई हैं, अच्छी और मदर तो अच्छी होती होती हैं, अगर भाभियां अच्छी मिल गई हैं और स्पेशली आपका अच्छा उनके साथ होना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, लाजमो मलजूम है कि आपकी कोऑर्डिनेशन अपनी भाभी के साथ कैसी है. वेल फिर तो जिंदगी बहुत अच्छी, सुकून और मजे की जिंदगी गुजर रही होती है. फिर तो संडे को भी आप इस तरह इंजॉय कर रहे हो तो लाइक बहुत मजा आता है. वेल आज के दिन संडे के दिन आप लोग क्या स्पेशल करने वाले हैं, आप लोग मुझे ये भी शेयर कर सकते, ये भी मुझे बता दे सकते हैं कि आप लोग संडे पे क्या स्पेशल करने वाले हैं, कहीं आने जाने का क्या प्लान आप लोगों ने किया है, क्या सोचा है, किधर को आना है, किधर को जाना है, या कोई आपके घर आ रहा है. आप लोगों के साथ एक अच्छी सी मजे सी मजे वाली जो है वो बात शेयर करने वाली हूँ मैं. वो ये है कि जब कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है या जब हमारी कोई इंसर्ट करता है तो लाइक वो अपना अपने आप को हमारे साथ, हमारे सामने अपने आप को मतारुफ करवा रहा होता है. लेकिन सबसे ज्यादा समझदारी और अकलमंदी की जो बात है वो ये है कि आप खामोशी से उस रास्ते से अपने आप को बदल लें, अपना रास्ता तब्दील कर लें. लाइक जब आपसे कोई बदतमीजी करता है तो डेफिनेटली आपको बुरा लग रहा होता है, बेवजह आपकी कोई इंसल्ट करे, करे, आप पे कोई इल्जाम तराशी करे, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली होती हैं, पेनफुल चीजें होती हैं. लेकिन चीजों को इतना अपने ऊपर हावी मत किया करें, ठीक है ना. समझदारी यही है ना कि आप उस इंसान से जो है वो रास्ता दूर कर लीजिए, अपने रास्ते अलग कर लीजिए, ठीक है ना. वाह खूबसूरत सा प्यारा सा नंबर आप लोगों के लिए मैंने प्ले कर दिया. वेल आफ्टर सॉन्ग एंड आफ्टर ब्रेक आप लोगों के साथ आते हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंटरटेनमेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी सुनते हैं और आप लोगों की सुनेंगे. वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक में आप लोगों के साथ होता आप लोग मेरे साथ साथ आवाज फैंस क्लब में आप लोग मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी ले रही हूँ। वेल 0486645104 ये हमारे रबते का नंबर है, आप लोग इस नंबर पे मुझे कॉल करेंगे और अपने आने के एहसास से मुझे नवाजेंगे। वेल आज आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि गाड़ी का कौन सा ऐसा टायर है जब गाड़ी चलती है तो वो नहीं चलता। वेल वेरी इंटरेस्टिंग ना, और आप लोग आज अपने जहनों को लड़ाइए, कहाँ कहाँ लड़ाइएगा ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है कि हाँ, खासतौर पर वो लोग जो इस टाइम पे ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइविंग करते हुए मुझे सुन रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे ट्रैवल करते हुए सुन रहे हैं, तो आप लोग फौरन से गाड़ियों की तरफ देखिए। जरा पंजाबी के अंदर चाती मारो ना, थानू पता चल जाएगा गड्डी का केड़ा टायर है, ऐसा टायर जोड़ा मतलब कि नहीं चलता, ठीक है ना। वेल आई एम नॉट गुड इन पंजाबी, वेल पंजाबी आती है लेकिन ऐसे नहीं बोलनी आती। अल्फाजों के कुछ दुरुस्तगी आज करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मतलब हम अपनी रूटीन लाइफ में इतना बोलते हैं कि वो लगता है कि वही अल्फाज बिल्कुल ठीक हैं। लाइक जैसे हम खातून बोलते हैं, खया खवातीन बोलते हैं, लेकिन खातून की जमा खवातीन होती है तो वो खवातीन नहीं होता, वो खातीन होता है, सही है ना। और लाइक ये कि खवातीन जो है वर्ड ऐसा हो चुका है, पक चुका है हमारी जबानों पे, ये गलत लफ्ज है लेकिन हमने इसको गलत लफ्ज को हर बंदे के लिए आम और खास कर दिया कि हमें लगता है कि जो दूसरा लफ्ज खातीन बोलेगा वो गलत होगा, जो खातून लफ्ज है वो बिल्कुल ठीक है। वेल एक और चीज आप लोगों के साथ छोटी सी शेयर करते हैं, आदत और खसलत। ये मुझे आप लोगों को डिफरेंट शेयर करके बताना था कि आदत और खसलत में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि फलाने इंसान की खसलत ऐसे है या फलाने इंसान की आदत ऐसे। वेल फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती चली जाऊं कि जो खसलत का लफ्ज है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्लीज काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी बंदे को लिए मतलब कोई किसी की बुराई करें, कुछ भी करें, अगर आपने किसी को कहना है ना कि इसके खसलत में ये चीज शामिल है, बिल्कुल भी नहीं, वो उसकी खसलत नहीं है, वो उसकी आदत में शामिल है। हम कैसे कह सकते हैं, आपके आप सामने मैं एग्जाम्पल रखती हूँ, अब आप खुद ही इस चीज को नोट कीजिएगा, बल्कि आपको आपके सामने मतलब कि खुद ब खुद ही चीज डिफर हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। वो चीज ये है जब लाइक डोगीज यानी कि उन कुत्तों के हवाले से ये चीज फेमस है कि जब भी जो डोगी है बैठता है अब जिस जगह पे बैठता है दुम मार के बैठता है, ठीक है ना, जगह साफ करके बैठता है। जो गाय है, बैल है, लाइक जो जितने भी जानवर हैं वो जगह को साफ करके बैठते हैं, वो उनकी आदत नहीं है, वो उनकी खसलत है। लाइक ये चीज होती है, ठीक है ना। लाइक हम जानवरों के बारे में ये नहीं कह सकते जी डोगी की आदत ही ऐसी है, भाई नहीं। आप मुझे कहेंगे कि अनम की ये आदत है, अनम की ये आदत ऐसी है और ये आदत ऐसी है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अनम में ये खसलत पाई जाती है। वेल मुझे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि अब आप जब कभी भी आदत और खसलत का इस्तेमाल करें तो डिफरेंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इंसान है या जानवर है। सो इंसानों के लिए आदत और जानवरों के लिए खसलत का इस्तेमाल कीजिएगा लाजमी। वेल खूबसूरत सा प्यारा सा नंबर आप सबकी खूबसूरत सी प्यारी सी समात के नाम। वेल आप लोगों की लाइव कॉल भी लूंगी आफ्टर सॉन्ग एंड आफ्टर ब्रेक, जब आती हूँ तो आप लोग मुझे लाइव कॉल करिएगा 0486645104।
KFK Rock. Wow. Feel like headbanging. This is a Ross 104 FM. एक बज के 50 मिनट आवाज आते हैं एंड दिस इज आवाज 104 एफएम से गोदा भलवाल की लाइव स्टूडियो से मैं आप लोगों के साथ आपकी प्रेजेंटर अनम मलिक. वेल कुछ ऐसे नाम हैं जिनका शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वेल हमारे प्रोग्राम में तो जितने भी लोग आते हैं जितने भी लिसनर्स होते हैं उनके सभी के जो नाम है वो शामिल करना प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है. वो हमारे लिए सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. सो कौन कौन हमारे साथ भा रहे हैं? हमारे साथ ऑफिस में शबीर अमान रिवल. थैंक यू सो मच शबीर अमान, आपका भी बहुत शुक्रिया. कहते हैं कि गाड़ी का जो एक्स्ट्रा टायर होता है वो नहीं घूमता. वेल जिया शमसी साहब हमारा साथ भा रहे हैं. वेल कहां से साथ भा रहे हैं आप? मेरा साथ भाते हैं जनाबे वाला लाहौर से. शमसी साहब मेरा साथ भा रहे. वेल थैंक यू सो मच शमसी, आप लाहौर से साथ भा रहे. वेल थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू. वेल अफजाल मुगल अफजाल हमारे साथ आते हैं. थैंक यू सो मच अफजाल मुगल साहब साथ भाने के लिए. एंड सनी सुनियोज हैं जी हमारे साथ. कहते हैं कि तबीयत कुछ नासाज सी है. ओके तबीयत नासाज सी है तो अपने आप को ठीक कर लीजिए ना. आपकी तबीयत क्यों नासाज है? मेडिसिन खाएं, नहाए, होश आए कुछ आपको. सो वेदर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चले जाए. वेल वेदर अपडेट के हवाले से बात यह है कि मौसम जो है वो खुश्क रहने वाला है. वेल थैंक गॉड मौसम खुश्क रहने वाला है और मैं तो इंतजार कर रही हूं कि जल्दी से मौसम खुश्क हो, जल्दी से गर्मी आए और ये जो कोरोना वायरस हम पे हावी हुआ है ना, ये जो कोरोना वायरस आ चुका है हमारे कंट्री में, मुल्क में, बल्कि 149 ममालिक में अभी तक जो है ना कोरोना वायरस अपने कदम जमा चुके हैं और मतलब मजीद स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है और कोरोना वायरस जो है वो खत्म नहीं होने वाला अभी तक, क्योंकि कोरोना वायरस को जो है ना शदीद गर्मी में ये मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा. ये ठंडे मौसम का वायरस है और इसके अलावा ये काफी हैवी होता है, जमीन पे ही रहता है. और अगर आपको फीवर हो जाता है ज्यादा देर तक तो प्लीज आप हेल्पलाइंस पे जरूर रابطہ कीजिएगा ताकि आपकी जल्दी से ट्रीटमेंट करवाई जाए, जल्दी से आप लोगों का जो है वो इलाज करवाया जाए और आप सेहतयाब हो जाएं. सो कल भी मैंने आप लोगों के साथ कोरोना वायरस के ऊपर काफी डिटेल से बात की थी. आज भी आप लोगों के साथ वक्फे वक्फे से हम पूरे प्रोग्राम में जो है वो डिटेल्स शेयर करते चले जाएंगे. लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कि कौन है और कहां से है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी उमर, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. अच्छा तो उमर ये बताइए, आज का जो टॉपिक है कि चलती हुई गाड़ी में कौन सा ऐसा टायर है जो नहीं चलता, नहीं घूमता है? आगे वाला जो होता है. क्या होते हैं जो आगे वाला होता है ना, लेफ्ट साइड का? हाँ वो नहीं घूमता मेरे ख्याल में. वो नहीं घूमता आपके ख्याल में? नहीं घूमता. अच्छा 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 ठीक है. कुछ और है तो आगे वाले लेते हैं. चलें ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, हम आपका आइडिया अभी दूस करवा देंगे. सही है. और मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम सभी तरह होता है लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है तो लिंक हमारे स्टेशन का भी चलता है. हाँ ये बात है. लेकिन आप स्ट्रीमिंग पे, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. अपने ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. विश यू द सेम. थैंक यू. जीते रहे, खुश रहे. हाय हाय नसीबो लाल आ गई है जी. तू बदले बदले एक बार असी एक बार, तू बदले सो वार असी एक बार नहीं बदले. बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा नंबर. इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिएगा. आफ्टर अजान एंड ब्रेक आप लोगों के साथ आते हैं.
پانچ منٹ بچاتے ہیں میرے اور آپ کا ساتھ مزید 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 کتنے منٹ کا رہ چکا ہے؟ تقریباً میرا اور آپ کا ساتھ 51 منٹس کا رہ چکا ہے. ایک گھنٹہ گزر گیا, بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, اور اتنی جلدی ٹائم گزرتا ہے. لائک میں کل بھی بات کری تھی نا کہ ٹائم ایسے گزرتا جیسے ہاتھ میں سے ریت سرکتی جائے. میرے ساتھ آفر میں عمر رہے, راجہ عمر, انہوں نے بہت اچھی خوبصورت باتیں کی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن پہلے کالر لے لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کرتے ہیں؟ سانگ یہ بالکل آپ نے بہت اچھی چیز ریز کی ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. بڑا دکھ ہوا, میں جو ہے اسلام آباد ڈیوٹی میں آیا, میں ادھر میرے ٹریفک ہے ٹرین سے, بس وہ ہے مطلب سے, تو میں نے ان کے پاس پلان لے کے مار کیا, کہتے آپ کو نہیں پتا کرونا وائرس ہے, آپ نہیں ملا سکتے. میں تو یار بہت افسوس ہوا, آپ کے گھر میں نے 4 سال عرصہ گزارا ہے, لیکن یہ پہلی جگہ میں سو گیا ہوں, تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ پلان لے کے نہیں جانا چاہیے, نہیں آپ کو ملانا چاہیے, وہ ہمارا پلان ٹوٹتے جا رہا ہے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھی چیز ریز کی ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. میں بڑا دکھ ہوا, میں جو ہے اسلام آباد ڈیوٹی میں آیا, میں ادھر میرے ٹریفک ہے ٹرین سے, بس وہ ہے مطلب سے, تو میں نے ان کے پاس پلان لے کے مار کیا, کہتے آپ کو نہیں پتا کرونا وائرس ہے, آپ نہیں ملا سکتے. میں تو یار بہت افسوس ہوا, آپ کے گھر میں نے 4 سال عرصہ گزارا ہے, لیکن یہ پہلی جگہ میں سو گیا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں نا ٹیسٹ میں لیکن نہیں جانا چاہیے, نہیں آپ کو ملانا چاہیے, وہ ہمارا پلان ٹوٹتے جا رہا ہے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھی چیز ریز کی ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. میں بڑا دکھ ہوا, میں جو ہے اسلام آباد ڈیوٹی میں آیا, میں ادھر میرے ٹریفک ہے ٹرین سے, بس وہ ہے مطلب سے, تو میں نے ان کے پاس پلان لے کے مار کیا, کہتے آپ کو نہیں پتا کرونا وائرس ہے, آپ نہیں ملا سکتے. میں تو یار بہت افسوس ہوا, آپ کے گھر میں نے 4 سال عرصہ گزارا ہے, لیکن یہ پہلی جگہ میں سو گیا ہوں, تو ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. بریک اور ابھی ٹائم کیا ہوا, 1:19 ہوا چاہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ آتے ہی کہ خوبصورت سے کولر ہے, دیکھتے کہ کون ہے. السلام علیکم. مجھے دوسری بار آنا پڑا کام پہ, لیکن میں تو ایک دفعہ جاتا ہوں, جو میری بات ہی دوسرے رہے گی. جی جی کریے, ضرور کریے آپ اپنی بات کو کمپلیٹ. وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسجد میں سچے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, اس سے کرونا وائرس پھیلتا ہے, لیکن ہمارا تو اس چیز پہ عقیدہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا, دروس بھی پڑھنے والے تھے, کرونا وائرس سے اس سے بڑی بھی کوئی بیماری ہے, تو وہ دور ہو سکتی. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میرا تو کہتا ہوں کہ سب لوگ عقیدہ کام میں مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, دروس روز وغیرہ کی گھر میں بیٹھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے کلر کلر کسی کو کوئی چیز دے تو بسم اللہ کر کے دے. میں کہتا ہوں دیکھتا ہوں میں تو کرونا وائرس میرا کیا کر سکتی ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے افضال جر, تھینک یو سو مچ. جیتے رہیے, خوش رہیے, سلامت رہیے. جی ان شاء اللہ بھی میں آپ کے نام کرتی ہوں اور لسنرز کے نام کر دیتی ہوں. ویل تھینک یو سو مچ افضال جر. انہوں نے اس چیز کو بہت اچھا ریز کیا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے نہ ایک دوسرے کو بغل گھی رو رہے ہیں, نہ ہاتھ ملا رہے ہیں, بھی کچھ بھی ہمیں کرونا وائرس نہیں کہنے والا, بس تھوڑی سی احتیاطی تدابیر ہیں. یہ نیچرلی ایک آفت آ چکی ہے ہمارے اوپر, ہم نے اس آفت سے خود ہی نبٹنا ہے اور خود ہی ہم اقدامات کرنے ہیں. ویل میں خود جس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, جب آپ لوگوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات ہے تو آپ کو کچھ بھی کوئی بیماری نہیں کہہ سکتے. سو عمر راجہ ہمارے ساتھ رہے آف یور کال میں, تھینک یو سو مچ عمر راجہ, تھینک یو سو مچ. آپ اتنی اچھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, اور جو میرے ساتھ عمر نے آج ڈسکس کیا ہے نا, انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں اس ٹاپک کو ریز کرنے والی ہوں. اس ٹاپک پہ ہم 2 گھنٹہ بات کریں گے.
اور عمر آزا نے مطلب کہ اتنی اچھی خوبصورت باتیں کی کہ جو ہمارے منہ کے اوپر ہمارے ہوتے ہیں وہ پیٹھ کے پیچھے کیوں بدل جاتے ہیں. نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہی والا ٹاپک رکھیں گے. تمہیں دل لگی یس تمہیں دل لگی. میرا خیال ہے عمر راجہ سانگ تو آپ نے یہی بتایا تھا لیکن سنگر کوئی اور بتایا تھا یا کیا سین تھا مجھے بھول گیا, سوری فور دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کے نام خوبصورت سا گانا. تمہیں دل لگی جانی پڑے گی کبھی دل کسی سے لگا کر تو دے. دل لگے بھول جانی پڑے گی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ جی حراج صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ کرنا تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے آلو سینی کلم کے میرے ساتھی بھائی ہیں سب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آج میں بڑا مصروف ہوں. کہاں مصروف ہیں؟ ہلو, کدھر مصروف ہیں آپ؟ آج بیگم صاحب پیسے چلی گئی ہے, میں بہت تک آ رہا ہوں خود. او ہو ہو ہو, یہ تو بہت برا ہی ہوا نا کہ آپ کی مسز جو ہے وہ چلی گئی ہیں مائیکے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ویل یہ بھی بہت ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ جب ہماری بیویاں مطلب کہ چلی جاتی ہیں, مائیکیں چلی جاتی ہیں, تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ مردوں کو جو ہے نا خود سے مطلب کوکنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ لوگوں کو کوکنگ کرنی چاہیے, اس لیے کوکنگ کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہو جائے, تاکہ آپ لوگ جو ہیں کوئی پرابلم آ جاتی ہے گھر میں تو آپ لوگ کیا کریں اس مطلب کہ برے وقت میں, کوکنگ تو ایٹ لیسٹ کر سکے نا. ویل ہمارے ساتھ بتول جٹ رہی, تھینک یو سو مچ بتول جٹ. اور مطلب کہ میرے بعض لسنر ایسے ہیں جو آریئر آنے سے کتراتے ہیں, کہتے کہ ہمیں آریئر نہیں آنا, لیکن میری مطلب کہ چلے میری بھی ہوتی ہے کہ چلے اگر نہیں آریئر آنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کرتے ہیں جناب؟ جی پریزیڈنٹ افغان حسینی ریڈیو لسنر کلب قصور کھرڑ فرام خانے وام. جی کیا کہنا چاہیں گے قصور کھرڑ صاحب؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, باقی جو سیٹ بیٹھ کے لوگ ہیں کافی سمجھدار ہوتے ہیں, ویٹ ہوتا ہے میرے کام کا لوگوں کو. اوکے جی سنائیے. ہاں میں اس طرح کہوں گا کہ بھائی اصل سرے ہزار مچھی وہاں تنی دے رہے ہیں. میں ارجن امرت سے وہاں کل یہ بیٹھے بیٹھے نا تو محبت اور ہزر کو نا مچھلی کی تکلیف ہوئی ہے. اچھا کہ اصل سرے ہزار مچھی وہاں تنی دے رہے ہیں, ساری ہر کروٹ پہ ہائے نکلی, ہر بہت ترکیب رہے ہیں آئے ہائے, اور ہفتے ساندن بار میں شاہ کسور. اچھا جی ہفتے ساندن بار میں شاہ کسور تینے بار جھڑکیوں دے رہے ہیں. کیا بات ہے, ساڈے خالص پیار نے سمجھیا کہ نہیں بے در مر دے رہے ہیں. او ہو کمال ہو گیا, مجھے بھی تھوڑی سی سمجھ آئی ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا کھانی خوبصورت سا گانا. اندر بلا لے بار کھلو تیرو وقت نمودا پاسیا ساڈا کچھ تا کر دے ساسیا ساڈا کر ملاقات اتلا ساڈیاں لے جا مل ہس
ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਮਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਹੱਸਕੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਮਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੈ ਛੇ ਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਫ਼ਰ ਕੁਟਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਇਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਾਇਲ ਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਦੱਸੀ ਡਾਡੇ ਘਬਰਾਏ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਦੱਸੀ ਡਾਡੇ ਘਬਰਾਏ ਵਧਿਆ ਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਰਦੋ ਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦੋ ਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਰੇਡੀਓਸ आवाज एफएम 104 सुरगोधा भलवाल के लाइव स्टूडियो में आप लोगों के साथ हमारे साथ एक लिसनर है देखते हैं कि कौन है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और कहां से आप जनाब सनी बात कर रहा हूं लाहौर से जी सनी क्या कहना चाहेंगे अच्छा शो आप अच्छा कर रही हैं इधर थोड़ा मसरूफ भी हूं लेकिन कानों में हेड भी लगा के आपका शो भी सुन रहा हूं ओह वाओ थैंक यू सो मच टॉपिक के बारे में बताइएगा मुझे टॉपिक का ये कहना कि जो चपनी उधर है जो दर्द होता है घूमता अच्छा वो नहीं घूमता अच्छा मुझे कौन ही पता मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स गाड़ी पैंचर हो जाती है बात जब गाड़ी पैंचर हो जाती है ना उसको इस्तेमाल तब किया जाता है लेकिन उसकी जगह फिर वो दूसरा टायर होता है वो रख दिया जाता है अच्छा वो नहीं घूमता है वो नहीं घूमता गाड़ी के चार टायर घूमते हैं अच्छा अच्छा चलिए ठीक हो गया थैंक यू सो मच अपने ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपको की थी लेकिन आपने चला दिया उसके लिए थैंक्स ओह थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज अच्छा बात तो सुन ले मेरी मेरी बात सुन ले जी सुनाइएगा आप सरगोधा में आपको आरजे हीना सुन रही है कौन सी आरजे सुन रही है आरजे आरजे हीना सुन रही है सॉरी सरगोधा का नाम गिरा दिया खुशाब में ओके खुशाब से हीना हमारे साथ है ठीक हो गया उनको हाय हाय ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू ओके जी अल्लाह हाफिज वेल आरजे हीना हमें सुन रहे हैं खुश आप से वेल थैंक यू सो मच हीना हम आपको हेलो हाय बोलते हैं और बाय बाय तो कभी भी नहीं कहेंगे इंशाल्लाह और उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे साथ बातें रहेंगे अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात करते हैं हैदर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से इस्लामाबाद आप इतना कड़ोड़ के क्यों कहते हैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद सीधा सा कह दिया करें ना थोड़ा एक्साइटिंग के साथ इस्लामाबाद ओके ठीक है क्या कैसे हैं आप ठीक है मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं मैं बिल्कुल अच्छी हूँ ठीक है अब मुझे टॉपिक के बारे में बताइए टॉपिक के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो जो टाइट है ना डी के अंदर रखा होता है जो टाइट सोया होता है जिसको रेस्ट दिया होता है वही नहीं घूमेगा अच्छा वो नहीं घूमेगा मैंने तो देखा वो घूमता होता है वो नहीं घूमता नहीं घूमते है क्यों नहीं घूमता मैं कह रही हूँ ना वो घूमते तो बस घूमते अगर मैंने कहा तो वो घूमते है ठीक है
दिखाऊं तो आपको आपको तो घुमाना आता है ना। हाँ ये बात तो है, ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, और दूसरी बात शो बहुत 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 ही अच्छी जाता है। थैंक यू सो मच, हैदर खुश है, सलामत रहे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आ गया जला हाफिज। वेल ये तो हमारे साथ हैदर इस्लामाबाद से। वेल और कौन कौन हमारे साथ है? भारत फबीहा वटू साथ है भारे, वेल थैंक यू सो मच फबीहा, जीती रोज सलामो थ्री। इसके अलावा शहजाज खुर्रम मेरा साथ भारे है, इसके अलावा शहराज मलक ने मेरा साथ भाया, थैंक यू सो मच। उसके अलावा जिशान शानी वाले साथ भाते, साजिद जिशान ने साथ भाया, इसके अलावा नियामत गिल साथ भारे, देन शमसी साथ भाते, चौधरी वसीम साथ भारे, रजा चौधरी ने साथ भाया। वेल कोरोना वायरस की बात अफजाल जट भी कर रहे थे, इसके अलावा सिर्फ बात इतनी सी है फ्रेंड्स के हम लोग जो है ना इसको अपने ऊपर हावी कर लिया, ठीक है, हमें एहतियाती तदाबीर करनी है। वेल रात को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में मैच हुआ, कराची किंग जो है वो विन कर चुकी मैच, ठीक है, और मैं देख रही थी जो कराची किंग्स वाले थे वो अपनी फतह की जो मतलब सेलिब्रेशन थे मना रहे थे और एक दूसरे के साथ कोहनियां मिला के सलाम ले रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता बींग मुस्लिम, बींग ह्यूमन बींग, कुछ भी नहीं होता यार, आप क्यों मतलब टेंशन लेते हो कि आपको हो जाना है, खुदा माफ करे कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। वेल खूबसूरत सा प्यारा सा सॉन्ग पलट पलट के नजर, पलट पलट के नजर मिला दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा, दिल दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, सारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल की तौबा दिल अब कफारा ना होगा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा फैंस क्लब और 1:50 हुआ चाहता नॉर्थ, दिस इज लास्ट लिंक ऑफ आवाज फैंस क्लब, हमारे साथ एक अदद कॉलर भी है, देखते हैं कि कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम आलो आपकी लिस्नर है, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात करते हैं? शबीर रहमान बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरिपुरा गारा से। जी हरिपुर का मौसम कैसा है? सनी सनी है, सनी 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 सनी, आपके पास भी सनी रहते हैं?
हाँ सनी रहता है हमारे पास. ओके हमारे पास भी तो बिलवाल नहीं आया. सुबह से मॉर्निंग से हमारे पास सनी सनी बैठ रहे. चले ठीक हो गया ठीक हो गया. और एट दिस टाइम आई एम जस्ट सिटिंग इन सनलाइट एंड आफ्टर लंच ईटिंग ऑरेंज. Oh wow! Or if you like orange, I can share with you. No, thank you so much. Bundle of thanks. Well, about topics, you are asking that about the wheel, which is the not the one when the van is running. Haan. So I think mostly हम जो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कुछ तकनीक बोलते हैं ना stand by जो टायर होता है साथ रखा हुआ. हाँ. तो वो जो है वो नहीं घूम रहा था. Still वो कहते हैं कि stationary होता है ना वो मतलब. ये भी बात बिल्कुल ठीक है. ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने. थैंक यू सो मच. कुछ और कहना चाहेंगे? बस कोई और टाइम बट उसके मतलब आप बता देना कौन से है. अच्छा चलिए ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. चला हाफिज. बी हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू. विश यू द सेम. थैंक यू सो मच. वेल एम वही तुम्हारा साथ उभारा. थैंक यू सो मच. वो जो मेरे साथ उभारी है सरीन लाहौर से साथ उभारते हुए रजा चौधरी रेशम से साथ मेरे साथ होते हैं. और कौन आया है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन बात कर रहे हैं? सीमा स्पेन. क्या हाल है? ठीक ठाक है. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मेरा भाई कैसे है? अच्छा तो कौन सा टायर है जो नहीं घूमता अंश? वो नहीं घूमता. अच्छा इतना मासूम सा मेरा भाई है ना छोटा सा. थैंक यू सो मच. कुछ और कहने? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. चलो हाफिज. वेल अच्छा जब भी मुझे अनसीमा कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं हमेशा जब भी मुझे लिखते हैं ना आपो लिखते हैं. लेकिन मुझे बात अच्छा लगता है जब मुझे आपो कहते हैं ना. आपा जानी आप कैसी हैं? इधर से फबीहा बच्चू मुझे बड़ा मतलब आपा जानी आप ही जानी कहती है. लाइक थैंक यू सो मच. इतनी आप लोग रिस्पेक्ट देते हो इतनी ज्यादा इज्जत देती है. वेल मरियम नवाज मेरे साथ उभारे. वेल थैंक यू सो मच. शीजा मेरे साथ उभारती हैं जद्दा से. इसके अलावा साधिया एसली ने मेरे साथ भाई. नयामत गिल साथ भारे. इसके अलावा गुनम सिंह भट्ट साथ भारे. शमसी साहब ने साथ भाई. इसके अलावा सनी चनियोर साथ भारे. हैदर ने इस्लामाबाद से साथ भाया. शबीर अवान मेरे साथ भारे. एम जुवेद मेरा साथ भारे. वल आज वसी बुखारी ने साथ भाया. आतिफ हुसैन साथ भाया. जुनेद मलिक ने मेरे साथ भाया. राजा उमर मेरे साथ भलवाल से. रेवल थैंक यू सो मच. हीना हमारे साथ खुशाब से. इसके अलावा बतूल जट मेरे साथ रहे. इसके अलावा कस्फर भैया मेरे साथ होते हैं. इसके अलावा अरशाद अहमद टेलर मास्टर ये प्रोग्राम को पसंद के साथ. वेल जाम जुर्कनियन साहब का बहुत शुक्रिया जो उनको जिस स्ट्रीमिंग से मेरा प्रोग्राम जो है वो मोबाइल के थ्रू सुनवा रहे हैं. वेल ये आप लोगों की मोहब्बत या आप लोगों की चाहत ही है जो मेरे साथ होती है और आप लोग प्रोग्राम को पसंद करते हो प्रोग्राम में आते हैं. वेल लास्ट नंबर मैंने आप लोगों के लिए प्ले कर दिया और बिल्कुल वही वाला आंसर है जो आप सब मुझे दे रहे हैं कि जो स्पेयर टायर होता है वो कभी भी नहीं घूमता. जो गाड़ी के पीछे लगा होता है या गाड़ी के अंदर पड़ा हो वो कभी भी नहीं घूमता. सो यू आर सो इंटेलिजेंट टू ऑल ऑफ यू. सीरियसली आप सभी के सभी बहुत इंटेलिजेंट बहुत जहीन है. हत्था विच की नहीं चूड़िया ने. सो नो दिस इज लास्ट नंबर ऑफ आवाज फैंस क्लब. थैंक यू सो मच टू ऑल गाइज. लोगों ने फेसबुक पे साथ भाया. जो लोग मेरे साथ चार्ट और साथ टिप करे. जो लोग मुझे लाइव फॉर पे मेरे साथ रहे. वेल थैंक यू सो मच टू ऑल गाइज. वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ. इसके अलावा एवरी सैटरडे संडे 12 से 2 बजे तक आप लोगों के साथ आती हूँ और मेरी मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सैटरडे संडे भी आप मेरे साथ इसी तरह रहेंगे. आई लव यू टू ऑल गाइज. लव यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा अपने आस पास वालों का ख्याल रखिएगा और खासतौर पर आप लोगों ने उन लोगों का ख्याल रखना जो
اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسپیشلی یور پیرنٹس اور اسپیشلی یور سم ون اسپیشل جو آپ لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. سو اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں کو چھوڑی جا رہی ہوں. جتنا خوبصورت آج کا دن ہے, ہر لمحہ آپ کا اسی طرح خوبصورت ہو. جتنی خوشیاں آج آپ کے پاس ہیں, کل اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس ہو. فائنلی انمی سائن آؤٹ, سپرد مولا, رب دے حوالے.